10 मई को कर्नाटक में चुनाव होने हैं और अब चुनाव प्रचार खत्म होने में बस कुछ ही वक्त रह गया है। लेकिन कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस बुरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही है। बजरंग दल ने कांग्रेस के खिलाफ मानहानि का केस ठोक दिया और बदले में 110 करोड़ का लीगल नोटिस भेज दिया। चंडीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ के सह प्रमुख वकील साहिल बंसल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये नोटिस भेजा है। दरअसल मामला ये है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन से की थी और आपसी भाईचारा बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की भी बात की थी और अब इसी चीज को लेकर कांग्रेस के हाल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और घोषणा पत्र में बजरंग दल पर पाबंदी वाली बात को लेकर बजरंग दल कांग्रेस से खफा हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे गए लीगल नोटिस में लिखा गया है कि कांग्रेस की इस घोषणा से उन्होंने बजरंग बली के करोड़ों भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। साथ ही नोटिस में ये भी कहा है कि 14 दिनों में 110 करोड़ रुपए मानहानि का हर्जाना भुगतान नहीं किया तो अदालत में ये मामला जाएगा। इस मामले के बाद से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गई है और इसे बजरंग बली से भी जोड़ दिया गया है। साथ ही कांग्रेस पर हिंदुत्व विरोधी होने का भी आरोप लग गया है। वहीं इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तंज कसा था। पीएम मोदी ने अपनी रैली के दौरान कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा था, पहले तो इन्होंने भगवान श्रीराम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प किया। ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को पहले तो प्रभु श्रीराम से दिक्कत होती थी और अब बजरंग बली से भी होने लगी है। अब आखिर बजरंग दल पर इतना विवाद क्यों छिड़ा हुआ है, तो कुछ लोगों की माने तो इसका सबसे बड़ा कारण है मुस्लिम और ईसाई वोट बैंक और इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है। बजरंग दल की स्थापना साल 1984 में उत्तर प्रदेश में की गई थी और आज ये संगठन सबसे ज्यादा दक्षिण भारत के राज्यों में ही सक्रिय है और इनमें भी बजरंग दल का सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता है। हालांकि कर्नाटक में ईसाई मिशनरियों का बढ़ता प्रभाव माना जाना भी देखा जा रहा है, जिसका विरोध बजरंग दल करता नजर आया है। फिलहाल कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी देखना बनता है कि क्या फिर से बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस इस बार बाजी मार जाएगी। आपको क्या लगता है कर्नाटक में किसकी सरकार बननी चाहिए? जो भी आपके व्यूज है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।